देख के चकित रह गए क्या? तुम मेडिकल जाइए, 10 रुपए का टेटनेस का इंजेक्शन लियो और हॉस्पिटल जाके लगवाइए। हेलो हेलो, राम राम सा, होली की राम राम, क्या हाल है? तो होली की शुरुआत तो हो चुकी है, घर में तैयारी, साग गुजिया सब पहले बन के रेडी था। अभी घर में कांजी वड़े बने हैं और बाहर जो लोग आ रहे हैं, जितने भी आएंगे उन सबको हमारे यहाँ, मतलब आपके यहाँ पता नहीं, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि होली पे सारी कॉलोनी से क्लोज जानकार रिश्तेदार सब लोग घर में आते हैं, ठीक है, और हम उनके यहाँ जाते हैं कि हाँ, मतलब त्यौहार के बहाने मिलना जुलना हो जो हो जाता है। तो बस ये जो लोग आएंगे इनको कांजी वड़े और सारी चीज़ें खिलाएंगे पिलाएंगे और होली खेलेंगे। ये तो मैं इतना थोड़ा सभ्य बोल रहा हूँ ना, इतना सभ्य मैं हूँ भी नहीं और इतनी सभ्य भरतपुर की होली भी नहीं है, ठीक है। तो अभी तो जो माहौल जमे हो, अभी तो आप मेरी शक्ल पहचान में आ रही है ना, शक्ल तो छोड़ो कुछ भी ना पहचानने में आएगा। देखो तो मैं कांजी वड़े का वो दिखा दो, गाइस भी बोलना पड़ेगा क्या यार? अच्छा इसमें तेरा कांजी का पानी। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं जितना सभ्य हो गया हूँ ना, क्या है अभी देखो मैं घर में बैठा हूँ तो ये सभ्य वाली होली खिल रही है। अभी उम्र थोड़ी सी ऐसी हो गई है ना, घर में बैठना पड़ता है, वरना जब समय था और उम्र थी हमारी, मतलब थोड़े से और जवान थे हम, थोड़े से और बच्चे थे, तो भाई साहब सुबह का निकलता था और शाम में घुसता था। इतनी होली कि क्या ही किसी ने मनाई होगी। अभी तो देखो घर में गुजिया साग, ये कांजी वड़े सब घर में बनाए, ठीक है। अब आपके यहाँ होली पे गुजिया बनती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती हैं तो मैं आपको बता दूँ हमारे यहाँ बनती हैं, और आपके यहाँ नहीं बन रही हैं तो फोमो हो गया आपको, क्योंकि ये है टेस्टी स्टॉप। जब उम्र हो जाती है ना आपकी तो ऐसे ही बैठना पड़ता भैया, नहीं जब मैं होली खेलता था तो ये लोग बुला के थक जाते थे, अब घर में घुस जा, मैं नहीं आता था। और अभी गुलालों से खेल रहा हूँ, नहीं मैं और गुलालों से खेलूँ होली पॉसिबल ही नहीं। हाँ जी दोस्तों, शक्ल पहचान में आ रही है क्या? ये तो रंगवंग हुआ है या नहीं हुआ पता नहीं, पर गुलाल से इतना हो गया है क्या? अभी मैं पूरी कॉलोनी में गया था सबके घर पे गुलाल लगाने और आशीर्वाद लेने, और अब जाके थोड़ा सा निकल के आया हूँ वहाँ से और अब घर में आया हूँ। बैठक लगी हुई है, यहाँ भी लोग आके चले गए, तो बस अब तो इतनी होली रह गई है, शक्ल भूतिया जैसी हो रही है। बाहर का माहौल एक बार चेक करा दूँगा, तो बालक देख रहे हैं क्या थोड़े बहुत होली खेलते हुए? तो माहौल तो ठीक है। हाँ तो कैसे हो देवी हो सजनों, मुझे देख के चकित रह गए क्या? होली हमारी कुछ ऐसी थी, आपको ज़्यादा दिखाना मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि हमारे यहाँ इतनी शांतिपूर्वक होली खेली नहीं जाती। अगर मैं कैमरा वैमरा साथ रखता तो मेरा जो हाल है वही कैमरे का होता, पर कैसा लग रहा हूँ मैं नहीं। तो मैं एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ अभी क्या हुआ। अभी कॉलोनी के बालक सारे इकट्ठे हो रखे थे, यहाँ सामने पार्क है इसके आगे, मेरे घर के आगे इकट्ठे हो रखे, रास्ते में जो जा रहा उसे धर रहे और रंग लगा रहे। अब दो लड़के जा रहे स्कूटी पे, उसके सामने एकदम से लड़के आए, वो नहीं रुके तो एक ने क्या किया, उसका हाथ खींच लिया और वो गिर गए। अब इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए कि वो गिर गए, साले उसके जाके दो थप्पड़ लगा के कहते रुका क्यों नहीं, और फिर उसके रंग लगाया। भाई साहब उसके हाथ घिस गया, पैर घिस गया, मैं जाके बोलूँ मैंने कहा यार इसके थोड़ी लग जाती अभी ज़्यादा, तो क्या होता? अब पता उस लड़के से क्या कह रहे हैं, वो बच्चा सा था और उसे कह रहे ऐसा करियो मेडिकल जाइयो, 10 रुपए का टिटनेस का इंजेक्शन लियो और हॉस्पिटल जाके लगवाइयो। ओ भाई उसकी व्यवस्था ख़राब हो गई, भाई व्यवस्था ख़राब हो गई, बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ मौज में, इसका मतलब ये नहीं अच्छी बात है, बट है जो है यार बढ़िया बात। हैप्पी होली, मैं आशा करता हूँ आपने भी वैसी होली खेली होगी जैसी मैंने खेली, क्योंकि होली एक बार आती है, खेलो जी भर के। राम राम।